हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल चेस्का। आज हम विदाउट एग ऑमलेट बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें चाहिए बेसन, मैदा, हरा धनिया, कैप्सिकम, टोमेटो, ओनियन, फटा हुआ दही, काला नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। अब हम लगभग एक छोटा बाउल, इसमें लगभग 4-5 टेबलस्पून बेसन है ये हमने लिया, और इसका हाफ हमने मैदा लिया, थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्च, पहले इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसमें दही, जो कि लगभग हमने 3 टेबलस्पून लिया है फिटा हुआ दही, और इसमें लगभग 1 छोटी चम्मच भर के ये हमने बेकिंग सोडा डाला। अब हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। थोड़ा सा पहले पानी डालकर इसका घोल तैयार करेंगे। इसमें बिल्कुल लम्स नहीं पड़ने चाहिए, इस तरह से अच्छे से। अब हम धीरे धीरे इसका थिन पेस्ट तैयार करेंगे, पतला सा घोल इसका बना लेंगे। अब आप इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसको इस तरह से ब्लेंड करके इसकी अच्छा सा सबको मिला लेंगे। अब हमने इस तरह से इसका घोल तैयार कर लिया। ये थोड़ा सा पतला होना चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। और पैन को, तवे को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद इस पर चारों तरफ ऑयल लगाएंगे, या आप बटर भी लगा सकते हैं। साथ ही अब इस पर इसका अच्छी तरह से चारों तरफ से इस मिक्सर को फैला देंगे। अब इस पर चारों तरफ ओनियन डालेंगे, मिक्सचर के ऊपर अच्छी तरह से ओनियन, कैप्सिकम, टोमेटो, सबको अच्छी तरह से स्प्रिंकल करने के बाद हरी मिर्च, हरा धनिया और थोड़ा सा चाट मसाला इस तरह से चारों तरफ अच्छी तरह से सब कुछ डालने के बाद, अब इसमें ब्रेड ऑमलेट बनाने के लिए बीच में एक अच्छी तरह से ब्रेड को पेस्ट कर देंगे, अच्छी तरह रखेंगे, और थोड़ा थोड़ा ऑयल या बटर जो भी आप पसंद करें डालने के बाद इसको साइड से धीरे धीरे, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट डेलिकेटेड होता है, धीरे धीरे इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे चारों तरफ से इस तरह से, अच्छी तरह इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से। देखिए फ्लेम लो ही रहना चाहिए इस तरह से, स्पून की सहायता से अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद इस तरह प्रेस करके आप इसको इस तरफ से भी धीरे से डालने के बाद, थोड़ा सा ऑयल या बटर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेक कर देखिए कितना अच्छा ये ब्रेड ऑमलेट बनकर तैयार है। अब इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। अब हम विदाउट ब्रेड सिंपल ऑमलेट बनाने जा रहे हैं। और पैन को, तवे को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद इस पर चारों तरफ ऑयल लगाएंगे, या आप बटर भी लगा सकते हैं। साथ ही अब इस पर इसका अच्छी तरह से चारों तरफ से इस मिक्सर को फैला देंगे। अब इस पर चारों तरफ ओनियन डालेंगे, मिक्सर के ऊपर अच्छी तरह से ओनियन, कैप्सिकम,
टोमेटो सबको अच्छी तरह से स्प्रिंकल करने के बाद हरी मिर्च, हरा धनिया और थोड़ा सा चाट मसाला इस तरह से चारों तरफ डालने के बाद अब इसको अच्छी तरह से धीमी आंच पर थोड़े लो फ्लेम पर धीरे धीरे इसको सेक कर देखिए ये ऑमलेट बनकर बिल्कुल तैयार है। ये इसको इस तरह से धीरे धीरे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज्यादा टेस्टी क्विक रेसिपी है। अब ये हमारी बेस ऑमलेट की रेसिपी बिल्कुल बनकर तैयार है। एक हमने ब्रेड ऑमलेट बनाया है और एक विदाउट ब्रेड ऑमलेट बनाया है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जाकर क्लिक करें। थैंक यू।